दिस साइड हर्ष गोयल, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल प्रॉपर्टी गाइज गुड़गांव। सो आज मैं आपके लिए एक नया रेडी टू मूव प्रोजेक्ट लेके आया हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे। आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कोई रेडी टू मूव प्रोजेक्ट लेके आओ द्वारका एक्सप्रेसवे। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ मैरीगोल्ड बाय ATS होम्स। सो करंटली राइट नाउ आई एम एट दी सेक्टर 89A, 75 मीटर रोड से प्रोजेक्ट की एंट्री है। द्वारका एक्सप्रेसवे से बात करें तो जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। 300 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा पटौती रोड आ जाता है। सो मेरे पास ये भी बहुत मैसेज आ रहा था बहुत टाइम से इनएक्टिव है। सो गाइज आई एम ट्राइंग टू बी एक्टिव। सो अभी आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, चलिए अंदर चलते हैं। मेन सेंट्रल ग्रीन एरिया पे आप ये देख सकते हैं मैं भी MP थिएटर पे हूँ। और अगर आप टावर की भी लुक देखेंगे, मतलब पूरा इन्होंने रॉयल लुक दे रखी है टावर को। आपकी डबल हाइटेड की इन्होंने यहाँ पे एंट्रेंस टाइप इन्होंने डिज़ाइन कर रखी है। एंड अगर हम इस प्रोजेक्ट में बात करते हैं तो हमारे दो साइजेज़ आते हैं, एक आता है 2150 स्क्वायर फीट, एक आता है 2650। सो 2150 और 2650 स्क्वायर फीट के साइज़ आते हैं जो कि हमारे 3+ सर्वेंट वाला साइज़ है इसमें। एंड अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये हमारा स्विमिंग पूल और ये इसका क्लब हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो इसमें हमारे दो साइजेस हैं, 2150 2650। और जो अभी आप ये टावर देख रहे हैं, टावर कॉर्नर के टावर है, इन कॉर्नर टावर्स का भी OC अप्लाइड है जो कि हमारा एक्सपेक्टेड है विद इन मंथ हमारा OC आ जाएगा। 2150 स्क्वायर फीट के लेआउट पे ये इसका 3 BHK प्लस स्टडी का प्लस सर्वेंट का लेआउट है। ये इसका लिविंग कम डाइनिंग एरिया है जो कि अप्रोक्स 11.5x15 का लेआउट है। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस इसका जो है लिविंग डाइनिंग स्पेस है। बाकी लिविंग डाइनिंग के साथ ही हमारी एक अटैच बालकनी आ जाती है। आप बालकनी भी देखेंगे कितनी स्पेशियस बालकनी है। बेसिकली ये एक 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है। सो अभी एक हमारा ये भी हो गया, फ्रंट में हमारा आगे भी आएगा। अभी आप इधर से नीचे देखेंगे तो ये इसका क्लब हाउस है। क्लब हाउस भी ऐसे सनकन टाइप पूरा क्लब हाउस है जो कि इसका -1 पे हमारा स्विमिंग पूल है और 3 फ्लोर्स का हमारा क्लब हाउस रहेगा। नीचे आप देख सकते हैं ये इसका MP थिएटर। अजी मैं आपको आगे दिखाता हूँ दूसरी बालकनी से हमारा और एक्स्ट्रा व्यू आएगा। सो गाइज दिस इज द मॉड्यूलर किचन द ATS इज प्रोवाइडिंग। इसमें आप देख सकते हैं हमारा पूरा काम कंप्लीट है। एंड इट्स यूटिलिटी बालकनी अटैच्ड विद, एंड देयर इज अ सर्वेंट रूम ऑल्सो विद किचन एज आई प्रिस्क्राइब्ड अर्लियर। सर्वेंट रूम दिस इज, एंड दिस देयर इज अटैच्ड टॉयलेट ऑल्सो। आप देख सकते हैं किचन भी कितनी स्पेशियस है मेरी हाइट से ऊपर। देखिए सीलिंग हाइट भी इसकी अच्छी है और विड्थ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रिज का और ओवन का इन्होंने डेडिकेटेड स्पेस दिया हुआ है। बाकी आगे हम चलते हैं, एक इसका ये कॉमन वॉशरूम आ गया। नाउ वी हेड टुवर्ड्स आवर फर्स्ट रूम। ये फर्स्ट रूम की बात करें, इसका जो साइज़ है अप्रोक्स 14x11 का है। सो आप देख सकते हैं सभी रूम में हमारे ACs ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। एंड सभी रूम के साथ हमें एक अटैच्ड स्पेशियस बालकनी मिल जाती है विद दिस अमेजिंग व्यू। यू कैन सी सामने हमारी वाटिका की टाउनशिप आ गई। यहाँ पे सिर्फ हमारी लो राइज फ्लोर्स है, इधर आप देखोगे इधर ब्रिज के फ्लोर आ गए। तो ये भी सारे दीनदयाल जनवास योजना के प्लॉट्स हैं। सो यहाँ पे आने वाले टाइम में सारी हमारी जो है लो राइज टाउनशिप आ रही है। सो गाइज दिस इज़ आर मास्टर बेडरूम विद लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग एंड स्पेशियस ड्रेसिंग एरिया। इसमें आपको ड्रेसिंग एरिया का स्पेस मिल जाता है एंड अटैच वॉशरूम। आप देख सकते हैं सभी रूम्स में लिविंग डाइनिंग में हमारे ACs ऑलरेडी फिटेड है। आप इधर से देखेंगे यहाँ से आपको और भी क्लैरिटी होगी। ये हमारा 75 मीटर वाइड रोड है जो स्ट्रेट जाके पटौती रोड पर मिल रहा है। और ये हमारा जो है ये NH 352B है जिसको हम बोलते हैं दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे, जो कि अगर आप सामने वहाँ दूर देख पाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोर्ड भी लगाया हुआ है। सो दिस इज़ द न्यू पटौती रोड विच द मार्केट इज़ हाइप्ड नाउ। एंड जो आप वो फ्रंट पे एलिवेटेड सेक्शन देख रहे हैं वो सारा द्वारका एक्सप्रेसवे है। सो द्वारका एक्सप्रेसवे की यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात करें 1.1 किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस है। एंड ट्रैवल टाइम अप्रोक्स 2 to 3 मिनट्स रहेगा आफ्टर दिस रोड विल बी कम्प्लीटेड।
सो नाउ वी हेड टुवर्ड्स आर थर्ड रूम. दिस इज द थर्ड रूम गाइज. इट हैज़ अटैच वॉशरूम. यू कैन सी द वॉशरूम ऑल्सो. सो दिस इज बेसिकली अ 3 BHK 3 washroom layout with a servant quarter. And this is the balcony. आप देख सकते हैं मतलब 3 side open apartment है. एक तो मैंने आपको जो इनर फेसिंग वाली साइड दिखा दी, मतलब सभी फ्लैट से आपको क्लब पूल एंड रोड फेसिंग व्यू मिलेगा. ये हमारा 75 meter रोड है. आप जो सामने देख रहे हैं ये हमारी गोदरेज की टाउनशिप आ गई, गोदरेज आइकन, गोदरेज ओसिस. और ये जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये ब्रिज की अफोर्डेबल सोसाइटी है, ग्लोबल हाइट्स. एंड ये वाली जो आप बाउंड्री देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिज के प्लॉट्स आए थे दीनदयाल जनवास योजना, जो कि कम्प्लीटली सोल्ड आउट है. सो यहाँ पे लो राइज फ्लोर आएंगे. और एंड हमारे जो प्रोजेक्ट के जस्ट राइट साइड में भी बेस्टेक ने अभी ये लैंड परचेज करी है. सो आने वाले टाइम में यहाँ पे बेस्टेक की डेवलपमेंट भी आएगी. और फ्रंट पे आप देख सकते हैं ये द्वारका एक्सप्रेस वे, मतलब द्वारका एक्सप्रेस वे आपको प्रॉपर्टी से क्लियर विजिबल है. सो यू कैन अज्यूम हाउ द लग्जरी इज प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टीज करंटली. अगर अभी हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो अगर आप इधर से स्ट्रेट पटौती रोड पे जाएंगे सेम कॉर्नर पे हमारे सिग्नेचर ग्लोबल के SCO प्लॉट्स आ जाते हैं, कमर्शियल आ जाता है. और सेम अगर आप इधर देखते हैं वो सामने रहेजा की साइट है जहाँ पे इधर बैक में इनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स आए थे एंड फ्रंट में इनकी SCO मार्केट है. सो आप SCO भी देख सकते हैं, आसपास कमर्शियल डेवलपमेंट अच्छी है. और अगर प्रोजेक्ट से हम बात करें तो 1004 acres में हमारी ग्लोबल सिटी आ रही है. अभी हम करंटली वी आर ऑन सेक्टर 89A एंड दिस इज सेक्टर 88A 88B. अगर हम इसके जस्ट अपोजिट में द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करेंगे वो हमारा सेक्टर 36 लगता है, 36 एंड 37. एंड 36 में 1004 acres में हमारी ग्लोबल सिटी आ रही है. जो सो गाइज अगर आप इधर से आगे जाते हैं ये है हमारा अपर द्वारका एक्सप्रेस वे जो कि 75 meter वाइड रोड है. अभी ये आगे जाके एंड पे कनेक्ट नहीं हुआ, दिस रोड विल बी कनेक्टेड इन अनदर 2 to 3 months. सो ये आगे अपर द्वारका एक्सप्रेस वे हमारा टूवर्ड्स जाएगा शोभा सिटी की तरफ. शोभा सिटी से आगे होते हमारा सेक्टर 114 और 115 की मार्केट की तरफ जाएगा जो कि पूरा जो है सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर आता है आज के टाइम पर. अगर गुड़गांव में बात करें सारी हमारी कमर्शियल मार्केट ही वहीं पे है. एंड अगर आप ये देख रहे हैं ये NH 352B है जो कि दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेस वे है. अगर अभी आप करंट में भी जयपुर जाते हैं तो आपको NH 8 यूज़ करना पड़ता है, बट एज सून एज दिस रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड सो जो सारा ट्रैफिक है वो इसी रोड पर मूव करेगा. एंड अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो ये हमारी कॉर्नर की प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि हमारी दोनों 75 meter रोड से एंट्री रहेगी. सो गाइज अगर हम इसकी प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की बात करते हैं सो प्राइसिंग इज़ 8400 पर स्क्वायर फीट विच इज़ ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग विच इंक्लूड्स योर बीट क्लब मेंबरशिप, EDC, IDC, IFMS, कार पार्किंग, पावर बैकअप, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड. एंड सो हम इसकी प्राइसिंग की बात कर सकते हैं. सो 2150 स्क्वायर फीट की अगर प्राइसिंग की बात करें अप्रोक्स 1.8 crore के अंदर आती है जिसमें कि आपकी बेसमेंट लेवल पर इसकी कार पार्किंग रहेगी. एंड अगर इसके अंदर हम पेमेंट प्लान की बात करें सो यू जस्ट हैव टू पे 30% नाउ एंड रेस्ट 70% एट द टाइम ऑफ पोजेशन व्हेन यू विल गेट कीज. सो द पोजेशन इज़ एक्सपेक्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट इज़ इन अनदर 1 month. एंड इसके अंदर गाइज मेरे पास कुछ पेंट हाउसेज अवेलेबल है जो कि हमारे टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस रहेगा विच इज़ ऑन 21st floor. अगर वैसे प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं सो प्रोजेक्ट हमारा ये 11 acres में आता है जिसमें सिर्फ 6 ही टावर है. और फ्लैट की बात करें 428 फ्लैट है. तो अगर आप 428 के हिसाब से इफ़ यू कैलकुलेट द डेंसिटी पर एकड़ ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ 39 per acre. सो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है. अगर आप कंपेयर करते हैं ना अगर पूरे गुड़गांव में जो एवरेज अगर किसी भी प्रोजेक्ट की डेंसिटी की हम बात करते हैं सो दैट इज़ अप्रोक्स 55 to 60 एंड इसमें हमें सिर्फ 39 की डेंसिटी मिल रही है. सो मुझे कई रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कोई रेडी टू मूव प्रोजेक्ट लेके आओ द्वारका एक्सप्रेस वे पे एंड एट रीजनेबल प्राइस. सो ये रीजनेबल प्रॉपर्टी आप चेकआउट कर सकते हैं. नीचे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा सो आप उससे मेरे से या मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं. आपको सारी चीज़ें डिटेल शेयर कर दी जाएगी. विजिट करना चाहें विजिट हम करवा देंगे. एंड गाइज अगर इसके अंदर हम ये 2 towers की बात करें ये हमारे टावर है 2650 स्क्वायर फीट के, 2650 स्क्वायर फीट के ये टावर हैं. सो इसका पोजीशन है जो कि विद इन 1 year एक्सपेक्टेड है. इसका भी सेम हमारा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है. जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन होती रहेगी वैसे वैसे यू हैव टू पे. सो फॉर मोर डिटेल्स फॉर दिस टावर एंड पेमेंट प्लान यू कैन कॉन्टेक्ट मी.
बिलो ऑन माई नंबर। अगर हम बात करते हैं, दिस प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय स्वामी, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट में लोन भी लेना चाहते हैं, सो यू कैन अवेल 80% लोन थ्रू SBI ऑल्सो। सो दिस इज़ वेरी मच सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेल्फ यूज़ के लिए। तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कितना बढ़िया इसका लेआउट निकल के आता है। लोकेशन मैंने आपको दिखा दी, सेक्टर 89A में आती है। मेन हमारा दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेस वे से जो है इसकी कनेक्टिविटी शुरू हो रही है। और फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी बिलो ऑन माई नंबर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।